तो आ गए फिर से। दिस इज माई फर्स्ट फुल फ्रेम कैमरा और इसके पीछे एक पूरी कहानी है, सुननी पड़ेगी आपको। सुन तो लेंगे, पहले कैमरा तो दिखाओ। नहीं, पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। Back to the 2021, I got my first camera, Sony A6400. उस कैमरा में सब कुछ था जिसकी मुझे जरूरत थी, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, 120 FPS स्लोमो और बेहतरीन ऑटो फोकस। लेकिन कहते हैं ना, समय के साथ साथ इंसान के स्किल्स भी बदलते, तो मेरा भी बदला। तो इसी वजह से मेरा इस वेडिंग के सीजन में डबल डिस्क का काम ज्यादा आने लगा और ऊपर से मुझे चाहिए था एक नया कैमरा, मतलब एक फुल फ्रेम कैमरा चाहिए था। तो क्या लग गए नहीं मिशन पे। महीनों सर्च करने के बाद मार्केट में दिखा मुझे एक नया कैमरा, सोनी A7 IV, जो कि 3 हफ्ते रुकने के बाद मैं आराम से ले सकता था। बट मैं तो मैं ही हूँ, बिना जाने इधर उधर से ऑर्डर कर दिया। वो किस्सा किसी और दिन बताऊंगा। बट अनफॉर्चुनेट मुझे लेना पड़ा सोनी A7 III। बट ये कैमरा भी उतना बुरा नहीं है, इनफैक्ट ये इस मार्केट का सबसे अच्छा कैमरा है और इस प्राइस रेंज में इससे अच्छा कैमरा दूसरा कोई है ही नहीं। अब कैमरा तो मैंने ले लिया, बट अब मुझे चाहिए गिम्बल। अब एक गिम्बल लेना था और नया गिम्बल लेने का मैंने पेमेंट उठाया नहीं था और मुझे लेना पड़ा एक सेकेंड हैंड गिम्बल। बट थैंक्स टू माई एक दोस्त जिसने कि मुझे अच्छे प्राइस रेंज में अच्छा गिम्बल दे दिया। और एक दो दिन बाद मुझे जाना पड़ा फिर से कोलकाता और उस टाइम मैंने ले लिया 50mm प्राइम लेंस। तो या दैट्स ऑल माई कहानी जो कि ऐसा हुआ था कुछ। तो ये था मेरा एक फुल फ्रेम कैमरा का छोटा सा कहानी। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो देखिए, अगर अच्छा नहीं लगे तो मत देखिए। क्या हमको क्या चाहता है, हम चलते। बाय।